नमस्कार दोस्तों, मोचे नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्कॉर्पियो कंपनी के ऊपर बताऊंगा कैसी कंपनी है। कई बंदे मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं, भाई स्कॉर्पियो के ऊपर वीडियो बनाओ, कितनी सैलरी है, जॉइनिंग का क्या प्रोसीजर है, और ओवरऑल आपके हिसाब से कैसी कंपनी अगर हमको मिलती है ये कंपनी जॉइनिंग के लिए। तो मेरे हिसाब से बता दूं तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक, और इंडिया में भी बता दूं तो बेस्ट कंपनी में से एक मानूंगा पूरे कंपनी के हिसाब से। तो क्योंकि इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी सैलरी के मामले में, जॉइनिंग के मामले में, ओवरऑल के मामले में इससे अच्छी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि सारे के सारे नए वेसल्स हैं, 2015 के इधर के वेसल से ज्यादा 2015, 16, 17 और 2018 में भी बन रहे हैं नए वेसल्स कुछ, तो ओवरऑल ज्यादातर सारे के सारे नए वेसल्स हैं। और जो स्कॉर्पियो और नेविगेट कंपनी आपने सुनी होगी, दोनों मर्ज हो चुकी है और स्कॉर्पियो वर्ल्ड की बिगेस्ट ओनरशिप कंपनियों में से एक है। तो इससे अच्छी कंपनी आपको मिलेगी नहीं, और जॉइनिंग का भी कोई डिले नहीं होता, जॉइनिंग अगर आपको जब चाहिए तब मिलेगी। क्योंकि इसके पास ज्यादातर 130 टैंकर्स वेसल्स हैं, क्योंकि नेविगेट और स्कॉर्पियो दोनों मिला के 130 टैंकर्स है स्कॉर्पियो के पास। और ओवरऑल बता दूं सैलरी के मामले में तो बता दूं इससे अच्छी कंपनी है, क्योंकि 1700, 2000, 2100 डॉलर तक जाती है इस कंपनी में, और ऑफिसर्स की तो और जाती है, जो भी कैप्टन लेवल पे, इंजीनियर लेवल पे, थर्ड ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, जो भी आपके हिसाब से बता दूं, सबकी सैलरी एक नंबर की है। क्योंकि यार ये कंपनी जल्दी लेती नहीं है, पहली बात तो ये आपको बता दूं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तब भी नहीं लेगी जब तक आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस ऑन टैंकर ना हो। कम से कम 30 से 40 मंथ 45 मंथ मांगती है कंपनी, और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है उसके बाद ये कंपनी में ट्राई करो, आपका हो जाएगा, वरना आपका कोई पॉलिटिशियन का तगड़ा वाला जुगाड़ है तो इस कंपनी में जरूर करवाओ। मेरे हिसाब से अगर कोई भी आपका रेफरेंस लगता है इस कंपनी में, कैसे भी, चाहे ऑफिसर का लगे, इंजीनियर का लगे, पॉलिटिशियन का लगे, तो इसी कंपनी में जाओ। क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, और ज्यादातर जितने भी आप लोग देखोगे साउथ इंडियन के लोग, अन्ना लोग ज्यादा मिलते हैं इस कंपनी में। मेरे हिसाब से जब मैं हॉस्टल में था तो कई अन्ना लोग इस कंपनी में सेल करते थे, बताते थे इससे अच्छी कंपनी नहीं है। और खाना पीना भी बेस्ट है, जॉइनिंग का भी कोई डिले नहीं है। जब आपको जॉइनिंग चाहिए तब आप कंपनी में कॉल कर लो, भैया हमको ये जॉइनिंग चाहिए, तो आपको जॉइनिंग मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेसल चलता है, यूएस वीजा लगा के देती है, वरना अगर आपके पास नहीं है तो यूएस वीजा देती है, कोई टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल मैं बता दूं, अगर जो बंदे की भी जॉइनिंग होती है इस कंपनी में, वरना एज अ कोई रेफरेंस लग रहा, तो यही कंपनी में जाओ यार, इससे अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, इंडिया में भी बेस्ट कंपनी मानूंगा, क्योंकि ज्यादातर वेसल्स इसके छोटे छोटे वेसल्स हैं, 60,000 जीआरडी के कम वेसल्स हैं, पैनामैक्स टैंकर्स, हैंडीमैक्स टैंकर्स, तो सारे के सारे जितने भी वेसल्स हैं सारे के सारे पोर्ट में जाके लगते हैं, घूमने को मिलेगा। वरना अगर आप क्रूड ऑयल टैंकर्स में जाते हो, वीएलसीसी पर जाते हो, तो घूमने को नहीं मिलता, आपका बाहरी डिस्चार्जिंग कर लेता है। क्योंकि ये सब वेसल्स होते हैं वो पोर्ट में जाते हैं, प्रोडक्ट टैंकर्स, जितने भी प्रोडक्ट टैंकर्स में जाओगे आप लोग, सारे के सारे पोर्ट में जाएंगे और आपको दबा के घूमने को मिलता है। तो ये ओवरऑल बता दूं बेस्ट कंपनी है। वाईफाई भी मिल जाएगा, ज्यादातर जितने भी नए वेसल्स हैं इस कंपनी के पास आपको वाईफाई मिल जाएगा, नेट की कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल बेस्ट कंपनी है, खाना से लेके, सैलरी से लेके, जॉइनिंग से लेके, तो बेस्ट कंपनी है, जल्दी लेती नहीं है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस टैंकर पे हो जाए तो जरूर ट्राई करो इस कंपनी में, वरना अगर किसी का रेफरेंस लग जाए तो इस कंपनी में ट्राई करो, कहीं ना कहीं अगर आपका होता है तो घुस जाओ यार इस कंपनी में, और उसके बाद छोड़ना मत ये कंपनी, जिंदगी भर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है अगर आपका हो जाता है तो। तो ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा वीडियो यार, जो भी बंदा पूछ रहा था स्कॉर्पियो बहुत बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से, इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।